दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और सुमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर के मुकाबले में आया सुमन गिल और रोहित शर्मा का तूफान। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जहां दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे आज के इस अहम मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि पाकिस्तान की पूरी टीम घुटनों के बल आ गई और इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों आपको बताएंगे भारतीय बल्लेबाजी की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों आखिर वो पल आ ही गया जिस पल का इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस को कब से था और आज भारत और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंका के मैदान में एक दूसरे को कुचलने के लिए आमने सामने थी। दोस्तों आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचक और सांस रोक देने वाला होना था क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमें आज सुपर फोर के मुकाबले में आमने सामने थी। दोस्तों जब टॉस की बारी आई तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऐसे में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी और भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल पारी की शुरुआत करने आए ताकि पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई करके पाकिस्तान के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर लेकर आए जहां शाहीन शाह अफरीदी ने पहली 5 गेंदें तो काफी शानदार तरीके से डाली और भारतीय टीम को एक भी रन नहीं लेने दिया। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने भी शाहीन शाह की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया और भारतीय टीम को पहले ओवर में 6 रन मिल गए। तो फिर दूसरे ओवर में जब नसीम शाह गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और पहले ही ओवर में लगभग सुमन गिल को आउट कर दिया था लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर उस गेंद को पकड़ नहीं सके और एक कदम से चूक गए और सुमन गिल बाल बाल बच गए। लेकिन दोस्तों फिर तीसरे ओवर में गिल ने शाहीन शाह अफरीदी की जमकर धुनाई की और गिल ने तीसरे ओवर की पहली दूसरी और पांचवी गेंद पर बैक टू बैक चौके लगाए और तीसरे ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 23 रनों पर पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों सुमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर तक 37 रन बना लिए थे। दोस्तों इस दौरान सुमन गिल बेहद ही विस्फोटक और खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 5वें ओवर में जब पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करने आए थे तब सुमन गिल ने उनकी गेंद को जमकर धोया और 3 चौके कूट कर शाहीन शाह अफरीदी की बैंड बजाकर रख दी। सुमन गिल जहां 13 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं रोहित शर्मा 20 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अब काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों को अपना विकेट देने की गलती नहीं कर रहे थे। लेकिन आखिरकार इस दौरान सुमन गिल ने गलती कर ही दी जब नसीम शाह की गेंद पर सुमन गिल के बल्ले से गेंद लगकर स्लिप में खड़े फील्डरों के बीच से निकल गई लेकिन पाकिस्तान के फील्डर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दोस्तों पाकिस्तानी फील्डरों ने बेहद ही खराब फील्डिंग की थी। सुमन गिल एक बार फिर आउट होने से बच गए और इसका उन्होंने खूब फायदा भी उठाया और 8 ओवर तक इन दोनों खिलाड़ियों ने 51 रन बना लिए थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था। भारतीय टीम के दोनों ओपनर की साझेदारी लगातार बढ़ती जा रही थी जो कि भारतीय टीम के लिए एक अच्छी बात थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में खुलकर बल्लेबाजी की और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और भारतीय टीम ने पहले 10 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 61 रन बना लिए थे। हालांकि इस दौरान रोहित शर्मा थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। नसीम शाह ने उन्हें काफी परेशान किया लेकिन दूसरी तरफ गिल भारतीय फैंस का दिल जीत रहे थे। गिल काफी तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर आजम जिस भी गेंदबाज को भेजते गिल उसकी धुनाई कर देते और देखते ही देखते गिल ने सिर्फ 37 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद तो रोहित शर्मा ने भी अपना गेयर बदला और शादाब खान को रिमांड में लेते हुए उनकी जमकर कुटाई की और 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके 13वें ओवर में ही पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी कर डाली। दोस्तों आज श्रीलंका के मैदान पर पानी नहीं बल्कि रनों की बारिश हो रही थी और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने बाबर आजम के पहले गेंदबाजी करने के फैसले की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दोस्तों टीम इंडिया ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे देखकर लग रहा था कि टीम इंडिया 350 रन बना लेगी क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने 15 ओवर के खेल तक 115 रन बना लिए थे और दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज ये दोनों खिलाड़ी शतक जरूर लगाएंगे। लेकिन फिर 16वां ओवर लेकर आए शादाब खान ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया और रोहित शर्मा को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 49 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 56 रनों की पारी खेली और इस तरह से टीम इंडिया को 121 रनों पर पहला झटका लग गया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए लेकिन इससे पहले कि विराट कोहली और सुमन गिल के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग गया जहां दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे सुमन गिल को शाहीन शाह अफरीदी ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। गिल ने 52 गेंदों में 10 चौके की मदद से 58 रन की पारी खेली और इस तरह 123 रन पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया। उसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली और केएल राहुल के कंधों पर आ गई लेकिन इससे पहले कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ कर पाते 24वें ओवर में बारिश आ गई और मैच को यहीं पर रोकना पड़ा। तो दोस्तों भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी को देखकर आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।